नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 79 ई एक्शन के रिजल्ट के बारे में और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे लिए 24 सितंबर की डेट है और 24 सितंबर की डेट को हमारे लिए 79 ई एक्शन की प्रक्रिया जो है अब भी जारी है और हमारे लिए जो चैलेंज की एप्लीकेशन सबमिट करने की टाइम थी वो 11 बजे तक दोपहर 1 बजे से ई एक्शन की टाइम है। और किन चैनल्स ने एप्लीकेशन सबमिट की है इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी जो अभी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही थी। और अब जो है रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ई ऑक्शन का रिजल्ट कब तक आएगा और कौन कौन से चैनल इस ई ऑक्शन में जीते हैं, तो हम सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको DDFG DTA संबंधी सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे लिए 2 स्लॉट्स के लिए ई ऑक्शन हो रही है MPG 2 स्लॉट्स के लिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि MPG 2 स्लॉट में अधिक से अधिक चैनल जो भी है वो लॉन्च होना ही चाहते। DD Free Dish से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें जानकारी कुछ हटके चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी चाहता है। और जो इस बार की ई ऑक्शन है वो कंपटीशन की ई ऑक्शन है कि बहुत से ब्रॉडकास्टर जो हैं अपना चैनल DD Free Dish पर लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन जो है स्लॉट्स हैं वो स्लॉट्स की संख्या अधिक नहीं है और 2 ही चैनल जो हैं इस बार लॉन्च होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो इसमें कौन से ब्रॉडकास्टर सबसे ज़्यादा इच्छा जता रहे हैं, उनमें से सबसे पहला ब्रॉडकास्टर एंटरटेन मीडिया नेटवर्क का है, दूसरा जो है आपका रहेगा Before You, 2 चैनल जो लॉन्च किया है Before You Hit, Before You Plus और स्टार इंडिया की तरफ से कोई भी चैनल आपके लिए लॉन्च हो सकता है, स्टार शो मूवीज, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और सोनी वाह भी। अब हम बात करते हैं ई ऑक्शन की रिजल्ट। तो जैसा कि ई ऑक्शन की प्रक्रिया अब भी चल रही है और ई ऑक्शन का रिजल्ट इसीलिए अभी घोषित नहीं हुआ है और प्रसार भारती की तरफ से भी कोई खबर, ई ऑक्शन कब होगा, ई ऑक्शन की रिजल्ट कब घोषित की जाएगी। तो जैसे ही सभी चैनल्स का जो है ई ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फाइनल हो जाता है, पेमेंट भी हो जाता है चैनल्स के द्वारा, जो चैनल जीतेगा उसका पूरा पेमेंट DD Free Dish को किया जाएगा और जैसे ही हो जाता है तो प्रसार भारती वो उसका ई ऑक्शन का रिजल्ट घोषित कर देगा। ये रिजल्ट आप लोगों को आज शाम या तो फिर कल जरूर ही मिल जाएगा। तो यही जानकारी देने आए थे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।